नमस्कार, मैं विजय दुबे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ न्यूज एक्सप्रेस मीडिया पर। आज हम लोग एक बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आए हुए हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि भारत सरकार लगभग लाखों करोड़ों रुपया हमारे शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए खर्चा करती है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भारत सरकार प्रतिवर्ष अपने बजट में करोड़ों रुपए का बजट लाती है, ताकि हमारे भारत का एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो सके और हमारे भारत के जो बच्चे हैं, जो भविष्य हैं, क्योंकि आज यही बच्चे, छोटे बच्चे जब पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद वो ग्रेजुएट होते हैं तो कहीं ना कहीं कहीं जॉब करते हैं, अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, अच्छे लीडर बनते हैं, अच्छे नागरिक बनते हैं अपने कंट्री के। इसीलिए भारत सरकार लाखों करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष बजट के रूप में भारत में लाती है और प्रत्येक स्टेट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, ताकि भारत की शिक्षा व्यवस्था अच्छी और सुचारू रूप से चल सके। लेकिन कहीं ना कहीं भारत सरकार के इनिशिएटिव्स लेने के बावजूद भी जो कुछ हमारे यहाँ के जो कुछ टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो कहीं ना कहीं भारत सरकार के उद्देश्य के ऊपर पानी फेर रहे हैं। ऐसा कहते हुए बहुत ही शर्म महसूस करना पड़ रहा है हम लोगों को, क्योंकि कोई भी गार्जियन, माता पिता अपने बच्चों को जब स्कूल में भेजता है तो पढ़ाई करने के लिए भेजता है। कहीं न कहीं स्कूल के प्रति गार्जियन का, माता पिता का बहुत ही अटूट विश्वास होता है। और ये भी कहा जाता है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि माता पिता से बड़े हमारे गुरु होते हैं, लेकिन आज 21वीं सदी के जो टीचर हैं कहीं न कहीं वो नालायकी का काम कर रहे हैं। मुझे इस शब्द से बोलते हुए शर्म की महसूस हो रही है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलने की मजबूरी है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि बरैनी गांव की ये घटना है जो मझवा विधानसभा क्षेत्र में आता है, जो मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, कि यहाँ के टीचर बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनसे काम करवा रहे हैं, मजदूरी करा रहे हैं। आप जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि किसी भी विद्यालय में वहाँ पर प्रधानाध्यापक होते हैं, वहाँ पे टीचर होते हैं, वहाँ पे गार्ड होते हैं, वहाँ पे दाई होते हैं, बहुत सारे वहाँ पे कर्मचारी होते हैं। इसके बावजूद भी वहाँ के जो टीचर्स हैं, प्रधानाध्यापक हैं, हेडमास्टर हैं, वो बच्चों से काम करवा रहे हैं, उनसे सफाई करवा रहे हैं। आप सोच लीजिए कि माता पिता बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं स्कूलों में, लेकिन वहाँ के टीचर पढ़ाने के बजाय उनसे काम करवा रहे हैं। इसका कौन उत्तरदायी होगा? टीचर होगा कि हेडमास्टर होगा कि यहाँ के जो बीएससी साहब हैं, जो एबीएससी साहब हैं या गवर्नमेंट है, वो उसका जिम्मेवार होगा। ये सिर्फ एक विद्यालय की घटना नहीं है, ऐसा आपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स में, न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में बहुत बार देखा होगा कि इस तरीके से घटनाएँ बराबर सुनने और देखने को मिलती हैं। तो हमारा इस वीडियो के माध्यम से गवर्नमेंट से और प्रशासन से रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि बच्चों के भविष्य के साथ ना खिलवाड़ करें, क्योंकि ये बच्चे हमारे देश के धरोहर हैं, ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, क्योंकि इसी में से जो बच्चे पढ़ लिख करके कहीं ना कहीं बहुत ही काबिल इंसान बनेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बनेंगे, पॉलिटिशियन बनेंगे, कुछ ना कुछ अपने जीवन में वो अनोखा करेंगे, तभी जा करके हमारा भारत महान बनेगा। सिर्फ कह लेने के माध्यम से कोई देश महान नहीं बनता है, इसके पीछे कहीं ना कहीं गुरुओं का, टीचरों का बहुत बड़ा योगदान होता है, तभी जा करके एक बच्चा, जिस तरीके से कहा जाता है कि बच्चा एक कच्चा घड़ा होता है और उसको पकाने का जो काम होता है वो टीचर का होता है, वो गुरु का होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से, न्यूज एक्सप्रेस मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोगों का ये कहना है कि प्लीज़, जितने भी टीचर्स हैं, बच्चों को ईमानदारी पूर्वक पढ़ाएं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, क्योंकि आप इतना ज़्यादा पैसा लेते हैं, 50-50 हज़ार, 40-40 हज़ार, 35-35 हज़ार रुपये आपको गवर्नमेंट सैलरी पे आउट कर रही है, और आप देख रहे हैं कि बच्चों की संख्या नदारद है सरकारी विद्यालयों में,
5, 10, 15, 20 की संख्या है। सरकार 200 लाख रुपया महीने एक विद्यालय पर खर्चा करती है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर बच्चे नहीं हैं। इसका कारण यही है कि आप पढ़ाने के बजाय उन बच्चों से काम करवाते हैं, सफाई करवाते हैं, और यहाँ तक देखा गया है कि कुछ विद्यालयों में बच्चों से और भी काम कराए जाते हैं। तो ये रिक्वेस्ट है आप सभी टीचरों से, विनम्रतापूर्वक हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग ईमानदारी पूर्वक भारत के बच्चों को, भारत के भविष्य को पढ़ाएं, उनको आगे बढ़ाएं। इसी उद्देश्य के माध्यम से ये वीडियो आज हम लोग बनाए हुए हैं। और भी इस टाइप की वीडियो जानकारी के लिए आप हमारे चैनल न्यूज एक्सप्रेस मीडिया से जुड़ सकते हैं। मैं विजय दुबे, कैमरामैन ज्ञान के साथ, धन्यवाद।